हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर एक्सपोनेंशियल पार्ट्स। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर के अंदर जो लॉज इस्तेमाल हुए हैं और साथ ही कुछ एग्जांपल्स भी आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है, इसको हम रीड कैसे करेंगे? सबसे पहला हमारा टॉपिक यही है, 10 रेज टू द पावर 4। कैसे रीड करेंगे? 10 रेज टू द पावर 4, जिसके अंदर 10 है वो 10 क्या है? 10 बेस है और जो 4 है वो क्या है? एक्सपोनेंट है। अब चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये सॉल्व होता किस तरीके से है। 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 कितनी बार लिखा हुआ है? 4 बार। तो मैंने 1 2 3 4 4 टाइम्स लिख दिया है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर? 10,000 आ जाएगा। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का क्लियर हो गया कि हम इसको रीड कैसे करते हैं, बेस किसको कहते हैं, एक्सपोनेंट किसको कहते हैं और इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलिए अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, तो देखिए पहला लॉ जो है वो मल्टीप्लीकेशन का है। ए रेज टू द पावर एम, ए रेज टू द पावर एन इक्वल्स टू ए एम प्लस एन। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब मल्टीप्लाई का केस है और जो बेस है वो सेम है और पावर्स जो है वो डिफरेंट है, तो उस वाले केस में हम क्या करेंगे? ए रेज टू द पावर एम प्लस एन कर देंगे, उसके पावर्स को हम ऐड कर देंगे। देखिए ये होता कैसे, एक एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसका बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेस को मैंने कॉमन लिया है और 4 प्लस 2 6 कर दिया है इसको। तो सेम अगर ये तो मल्टीप्लाई का केस हो गया, अगर मान लीजिए डिवाइड का केस होता है, डिवाइड के केस में क्या होगा? ए रेज टू द पावर एम, ए रेज टू द पावर एन, ए एम माइनस एन। तो मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है और डिवीजन में क्या हो रहा है? सप्रैक्ट हो रहा है। तो चलिए इसको करके दिखाता हूँ मैं आपको। 3 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू द पावर 2 3 4 माइनस 2, तो 3 पावर 2। तो देखिए ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। तो ये दो आइडेंटिटी आई होप समझ में आ गई होगी। तो चलिए थर्ड आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं अब। तो देखिए थर्ड आइडेंटिटी के अंदर भी ये मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी है और इसके अंदर क्या है? ए रेज टू द पावर एम मल्टीप्लाइड बाय बी रेज टू द पावर एम। यहाँ पे बेस जो है वो अलग है और जो इसकी पावर्स हैं वो सेम है। तो देखिए ए मल्टीप्लाइड बाय बी हो जाएगा और इसका जो पावर है वो कॉमन हो जाएगा, एक्सपोनेंट जो है इसका कॉमन हो जाएगा। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 4 रेज टू द पावर 4, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 और जो 4 है इसकी जो एक्सपोनेंट है वो कॉमन हो जाता है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 12 रेज टू द पावर 4। तो अगर ये तो मल्टीप्लाई का केस हो गया, अगर मान लीजिए डिवीजन के केस में होता तो क्या होता? तो ए रेज टू द पावर एम डिवाइडेड बाय बी रेज टू द पावर एम, तो ए अपॉन बी रेज टू द पावर एम। तो इसका भी एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ मैं। 3 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 4, तो 3 अपॉन 2 रेज टू द पावर 4। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए अब नेक्स्ट नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। ए रेज टू द पावर 0, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो जब चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो ये आइडेंटिटी का मैं रूल भी बताऊंगा कि वाई ए पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो अभी फिलहाल आप नोट कर लीजिए इसको। देखिए आइडेंटिटी, अगर कोई एक नेगेटिव नंबर है, अगर कोई एक नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर ऑड नंबर है, तो आंसर विल ऑलवेज बी नेगेटिव, आंसर विल ऑलवेज बी नेगेटिव। लेकिन अगर मान के चलिए कि ये नंबर नेगेटिव है और उसकी पावर जो है वो इवन नंबर है, तो हमारा आंसर आंसर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव।
सेवेंथ आइडेंटिटी आप देखिए कि कोई एक नंबर है ए और उसकी जो एक्सपोनेंट है वो है माइनस वन, तो हम क्या करेंगे उसमें? अगर कोई भी नंबर है और उसका एक्सपोनेंट अगर माइनस वन है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमेशा उसका रेसिप्रोकल होके ही वो पॉजिटिव बनेगा। तो देखिए वन अपॉन ए रेज टू द पावर वन हो जाता है ये। अब एट्थ आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं। हमारा ए यहाँ पे है और एम और एन, तो ये दोनों नंबर क्या हैं? आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आई होप ये आठ आइडेंटिटीज आपको समझ में आ गई होगी। आप फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।